नीलम वैली। नीलम वैली को आजाद कश्मीर की एक मशहूर तरीन जगह समझा जाता है, जो नहायत ही खूबसूरत और दिलकश है। वादी नीलम अपनी खूबसूरती से सयाहों में बहुत मशहूर है। हर साल पाकिस्तान और बैरून मुल्क से सयाह बड़ी तादाद में इस वादी का रुख करते हैं और इसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। नंबर 2, रत्ती गली लेक। ये वादी नीलम का एक नहायत ही खूबसूरत मकाम है। रत्ती गली झील एक अल्पाइन ग्लेशियर झील है, जो आजाद कश्मीर में मौजूद वादी नीलम में वाकया है। इसकी सतह समंदर से बुलंदी 12,130 फीट है। ये झील अपनी दिलकश खूबसूरती की वजह से सयाहों को अपनी तरफ रागिब करती है। नंबर 3, लीपा वैली। लीपा वैली आजाद जम्मू एंड कश्मीर की सबसे दिलकश और खूबसूरत वादी है, जो मुजफ्फराबाद से 105 किलोमीटर दूर वाकया है। इसमें पाइन के दरख्तों से ढके ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में लीपा की वादी बर्फ से ढकी रहती है। ये सबसे ज्यादा दिलचस्प और खूबसूरत तरीन वादी है, जो ना खत्म होने वाली कुदरती खूबसूरती का मंजर पेश करती है। नंबर 4, शाउंटर लेक। शाउंटर लेक एक कुदरती झील है, जो शाउंटर वैली में वाकया है। इस खूबसूरत झील पर जाने का बेहतरीन वक्त मई से अगस्त के दरमियान है। शाउंटर लेक अपनी दिलकश खूबसूरती से सयाहों में बहुत बड़ी तवज्जो का मरकज है। कैंपिंग से मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग आसानी से की जा सकती है। नंबर 5, टोली पीर। टोली पीर पहाड़ियों की चोटी पर एक खूबसूरत जगह है। ये चोटी सतह समंदर से 8,800 फीट की बुलंदी पर वाकया है। टोली पीर स्कूल्स के ट्रिप के लिए इंतहाई मशहूर मकामात में से एक है। इस जगह पर जाने का बेहतरीन वक्त मौसम बहार का है, जब यहाँ पर मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। नंबर 6, पीर चनासी। पीर चनासी एक दरगाह और सयाती मकाम है, जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर मशरिक में वाकया है। ये 2900 फीट की बुलंदी पर पहाड़ की चोटी पर वाकया है। पीर चनासी पाकिस्तान में सयाहों के खास मकामात में से एक है। ये एक हैरत अंगेज जगह है, जहाँ सर्दियों में सयाह इसकी खूबसूरत बर्फ की चोटी का रुख करते हैं। ये इलाका पैराग्लाइडिंग और स्नो क्रॉस जीप रैलीज के लिए भी मशहूर है। नंबर 7, बंजोसा लेक। बंजोसा जिला पूंछ आजाद जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव है। बंजोसा में एक कुदरती झील मौजूद है, जो अपनी खूबसूरती से साल भर बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ रागिब करती है। इसका कुदरती नजारा और माहौल सयाहों को इस जगह को देखने के लिए मजबूर कर देता है। लंबे दरख्तों से घिरी चमकीले पानी की झील का खूबसूरत नजारा सयाहों में बहुत मशहूर है। नंबर 8, जेहलम वैली। वादी जेहलम पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के जिले जेहलम की एक खूबसूरत वादी है। ये एक 50 किलोमीटर लंबी वादी है, जो दरिया जेहलम के साथ साथ सरसब्ज पहाड़ियों से घिरी हुई है। वादी जेहलम मकामी और बैनुल अक्वामी सयाहों के लिए मेहमान नवाजी के इलाके के तौर पर भी जानी जाती है। इसी वादी में मौजूद लीपा वैली भी बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करती है। नंबर 9, रावला कोट। आजाद कश्मीर का एक मशहूर टाउन, जो पूंछ के जिला हेडक्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। रावला कोट इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों के दरमियान एक दिलचस्प और खूबसूरत वादी है। इस खूबसूरत जगह पर जाने का बेहतरीन वक्त मौसम गर्मा का होता है, जहां पर आप इसकी दिलकश खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नंबर 10, रेड फोर्ट आजाद कश्मीर। ये किला आसार कदीमा के माहिरीन और सफर के शौकीन अफराद के लिए एक हैरत अंगेज मकाम है, जो कि इस खित्ते की तारीख को देखना चाहते हैं। इसे मुजफ्फराबाद किला भी कहा जाता है। ये फन तामीर का एक हैरत अंगेज नमूना है, जो कि आजाद कश्मीर का एक मशहूर विरसे वाला मकाम है, जिसने बहुत सारे गैर मुल्कियों को भी खुशामदीद कहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।